ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं, क्योंकि गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। तो चलिए, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप अंक शास्त्र के जरिए जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का जो दिन है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है अंक शास्त्र के जरिए। मूलांक एक के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से भी कुछ लंबित कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलती दिख रही है। विद्यार्थियों की जो उच्च शिक्षा है उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। उपाय भी करें, आदित्य हृदयम का पाठ करें। मूलांक दो के जातक, आज कुछ बनते कामों में रुकावट आने से आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी से अधिकारीगण प्रभावित होंगे। आज कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें। उपाय करें, रात्रि में दूध का सेवन ना करें। मूलांक तीन के जातकों के लिए आज दिन भर खुद को ऊर्जावान महसूस करने वाला दिन है। करीबी मित्र आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद रख सकते हैं। दाम्पत्य जीवन तो सुखद रहेगा, किसी धार्मिक आयोजन में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। उपाय करें, बेसन के हलवे का सेवन करें। मूलांक चार के जातकों के लिए आज का दिन, विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन मित्रों से बातचीत करके मन में प्रसन्नता होगी। अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है, और नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं उन व्यक्तियों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ समाचार के लिए उपाय करें, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रखें। मूलांक पांच के जातकों के लिए आज के अंक शास्त्र के अनुसार व्यापारिक वर्ग के लिए जो आज का दिन है वो पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई को लेकर अधिक फोकस्ड दिखाई देने वाले हैं, और भाई बहन के रिश्तों में भी सामंजस्य बनता दिख रहा है। उपाय भी करें, मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। मूलांक छह के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। निर्धारित किए गए सभी काम धीमी गति से ही सही लेकिन पूरे होते दिखाई देंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से किसी खास विषय में चर्चा भी हो सकती है। अनजान व्यक्तियों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना है। उपाय करें, गाय का घी मंदिर में दान करें। मूलांक सात के जातकों की बात की जाए तो आज का दिन उनकी पुरानी बातों को याद करके कुछ भावुक होने का है। बेकार के खर्चों पर भी नियंत्रण रखने में सक्षम आप रहेंगे। आपकी विनम्रता से सभी लोग प्रभावित होंगे। किसी दूसरे के मुद्दों में घुसने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उपाय करें, कानों में सोना धारण करें। मूलांक आठ के जातक, आज का दिन आपके परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाने वाला। कार्य क्षेत्र में भी किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा, और आपके परिजन अपनी समस्याओं को आपके साथ साझा करेंगे उम्मीद में। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का भी सामना हालांकि आपको करना पड़ सकता है, सावधानी बरतें। उपाय करें, काली उड़द की दाल मंदिर में दान करें। चलिए बात करें मूलांक नौ के जातकों की। मूलांक नौ के जातक व्यापार में मित्रों की मदद से अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने में सक्षम होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के पास भी काम की अधिकता रहेगी, परंतु वे परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए समय जरूर निकाल लेंगे। जीवन साथी से भी कोई उपहार मिलने की संभावना है। उपाय भी करें, शहद का सेवन करें।